अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू वीडियो मदर व्लॉग्स में आप सभी का वेलकम है। आज का जो क्वेश्चन है वो पोस्टीरियर प्लेसेंटा को लेकर है और डिलीवरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे और क्या ये आपकी लेबर और डिलीवरी में इफ़ेक्ट करता है जनरली, तो इसके बारे में जानेंगे। तो आज का क्वेश्चन है, कैन यू गिव बर्थ विद ए पोस्टीरियर प्लेसेंटा, क्या आप पोस्टीरियर प्लेसेंटा के साथ बेबी को डिलीवर कर सकते हैं, या जो भी नॉर्मल डिलीवरी है क्या पोस्टीरियर प्लेसेंटा के साथ नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। आज का क्वेश्चन है, प्रॉपरली आम भाषा में कहूँ तो मेरा एक्सपीरियंस भी पोस्टीरियर प्लेसेंटा के साथ है और मेरी नॉर्मल डिलीवरी भी हुई है और मुझे क्या हुआ था, बॉय हुआ था गर्ल हुआ, तो वो भी शेयर करूँगी। और यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही छोटी वीडियो होप करती हूँ आपको मदद करेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज़ कैन यू गिव बर्थ विथ ए पोस्टीरियर प्लेसेंटा। तो आंसर इज़, आंसर की तरफ बढ़ते हैं, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग इज़ ऑफ्टन ईजियर एंड दी प्रोवाइड्स अ क्लियर व्यू ऑफ दी फीटस। तो अल्ट्रासाउंड की मदद से आपको ईजीली पता चलता है, क्लियर आपको दिखाई देता है कि बच्चा और प्लेसेंटा वगैरह सब कुछ। आजकल तो अल्ट्रासाउंड वगैरह की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी आने वाली, यानी बहुत अच्छे से टीवी पर अच्छे से दिखाया जाता है और स्कैनिंग की जो रिपोर्ट्स है उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छे से बढ़ गई है इस वक्त। मैंने भी जब अपनी लास्ट डिलीवरी के टाइम स्कैन, लास्ट प्रेगनेंसी के टाइम सॉरी, जब स्कैन कराया तो बहुत अच्छी क्वालिटी की स्कैनिंग रिपोर्ट मिली थी। तो अल्ट्रासाउंड की मदद से आपको सब कुछ क्लियर हो जाता है, बेबी की पोजीशन इजीली पता चलती है, प्लेसेंटा की लोकेशन वगैरह। तो क्या ये नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है पोस्टीरियर प्लेसेंटा के साथ, तो आज का क्वेश्चन है। तक आगे बढ़ते हैं। द पोजीशन ऑफ द प्लेसेंटा जनरली डज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट योर लेबर और डिलीवरी आउटकम्स, ना ही डिलीवरी में अफेक्ट करता है और ना ही नॉर्मल डिलीवरी में कोई दिक्कत होती है, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है पोस्टीरियर प्लेसेंटा का। मेरा एक्सपीरियंस कहूँ तो पोस्टीरियर प्लेसेंटा के साथ मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और नेचुरली लेबर था और फास्ट डिलीवरी हुई थी और मुझे बेबी गर्ल हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस पोस्टीरियर प्लेसेंटा के साथ बहुत अच्छा रहा, नॉर्मल डिलीवरी का भी एक्सपीरियंस रहा, नेचुरली लेबर का भी प्रोसेस रहा, आउटकम भी बहुत अच्छा रहा, कुछ भी प्लेसेंटा के तरफ से इफ़ेक्ट तो कुछ भी नहीं था मुझे। दिस इज़ माई ग्रेट एक्सपीरियंस विथ पोस्टीरियर प्लेसेंटा। आप में से कितने लोगों का पोस्टीरियर प्लेसेंटा है कमेंट बॉक्स में लिखना। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है इस वक्त, अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है, अगर आपकी बेबी डिलीवर हो चुका है, हो चुकी है, तो उस वक्त आपका कैसा एक्सपीरियंस था बर्थ के टाइम, वो भी ज़रूर लिखना, ताकि और भी बहनें जो मेरे चैनल के साथ जुड़ें उन्हें बहुत अच्छी जानकारी आपके ज़रिए मिल सके। तो मेरी वीडियो बनाने का यही पर्पस होता है कि औरों को मेरे क्वेश्चन के ज़रिए, आप लोगों की तो हेल्प होती मगर आपके क्वेश्चन एंड आंसर करने से कमेंट बॉक्स में औरों की और भी ज़्यादा हेल्प हो, तो सबको जो उनके डाउट्स है वो सारे डाउट्स क्लियर करना, यही इंटेंशन के साथ वीडियो बनाने का पर्पस है मेरा। और मेरे चैनल पे 500 वीडियोस हो चुके हैं, तो प्लीज़ विज़िट ज़रूर करना, वहाँ पर बहुत अच्छे वीडियोस, सारे एक्सपीरियंसेस मेरे चारों प्रेगनेंसी के एंड ऑल अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग रिपोर्ट्स आर देयर, तो आपको हेल्प होगी कहीं ना कहीं, आपके जो भी डाउट्स हैं जो भी है वहाँ आपको क्लियर मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।